नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ग्रेवाल एक अनदर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप बात करेंगे कि अपने HDFC बैंक की RD जो होती है उसको कैसे स्टॉप करें और जो बैलेंस है जो हमारे ऑलरेडी हम पैसे दे चुके हैं उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करें। तो कोई बड़ा स्टेप नहीं है, अगर आपके पास HDFC बैंक में अकाउंट है और आप ऑलरेडी ही पैसे दे रहे हो RD में, आप चाहते हो कि मैं अब आगे पैसे नहीं देना चाहता, मैं अपनी RD को स्टॉप करना चाहता हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी नेट बैंकिंग ओपन करनी है और जो बैलेंस है वहाँ पर आप अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी RD को स्टॉप कर सकते हो और फिर जो पैसा होगा वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में इंस्टेंट आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, जो स्टेप है आपको अपनी स्क्रीन में फॉलो करना है। आप इसको अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो या फिर आप अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हो, दोनों का प्रोसेस सेम ही है, क्योंकि नेट बैंकिंग आपको ओपन करनी है वो आपके फोन में भी हो जाएगी, आपके डेस्कटॉप पे भी हो जाएगी। वहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालना है और अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको RD वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा पूरा स्टेप में करके बताऊंगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी फ्यूचर में मैं बैंक से रिलेटेड कोई वीडियो डालूं जैसे कि हाई फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है या फिर बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से है, अगर आप इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो HDFC की RD क्लोज करने के लिए सबसे पहले गूगल पर सर्च कीजिए HDFC नेट बैंकिंग लॉगिन। जब आप ये लॉगिन डाल के सर्च करते हो तो फिर HDFC का लॉगिन पेज आपके सामने ओपन होगा गूगल पे। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट मैंने आइकन पे क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी डालनी पड़ेगी HDFC में लॉगिन करने के लिए नेट बैंकिंग में। तो आप कस्टमर आईडी डालिए, उसके बाद आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना IPIN का जो पासवर्ड होता है वो डालिए, उसके बाद प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एसेस इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हो तो आप HDFC की नेट बैंकिंग के डैशबोर्ड में ओपन हो जाते हो। तो यहीं से हम अपनी RD को क्लोज करेंगे। तो RD क्लोज करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपको अकाउंट्स में जाना है, आप देख सकते हो कि आपका पेज जो है वो ऑलरेडी अकाउंट्स वाले पेज पे है, देख सकते हो इसी तरीके से जैसे कि पेज ऑलरेडी अकाउंट्स पे है। उसके लेफ्ट साइड में आपको ट्रांजैक्ट पे क्लिक करना है, उसके नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आप माउस की तरफ देखिए, आपका यही नहीं देखना, आपको सिर्फ माउस की तरफ देखना है मेरे, उसके आपके सामने दिख रहा होगा कि RD ड्रीम डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन है तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने यहाँ पर मेरे 4000 रुपये ऑलरेडी मैं RD में सबमिट कर चुका हूँ, पर मेरे को उसको अपने बैंक में विड्रॉ मारना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। सॉरी, इसके नीचे जो ऑप्शन है क्रेडिट टू अकाउंट, यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, अकाउंट नंबर जो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कीजिए। जब आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज कुछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना सीधा इसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट टर्म्स इंटरेस्ट अर्निंग टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिट जो भी दिखा रहा है वो सब डिटेल है इन्फॉर्मेशन, आप उससे चेक लीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। जब आप कंफर्म वाले बटन में क्लिक करते हो तो दोस्तों भाई यही तरीका था आपने RD को क्लोज और स्टॉप कैसे करें और जो बैलेंस है वो अपने अकाउंट में कैसे डाले। तो दोस्तों अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस रिलेटेड मैं और भी वीडियो फ्यूचर में आपके लिए डालता दूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को यही पसंद करते हैं।